उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देर रात पूरी तस्वीर साफ कर दी। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, जिस पर कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना ऑफिस और झंडा भी समाजवादी पार्टी के हवाले कर देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी में 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके लिए सिर्फ 2, गाजियाबाद और खेर सीट ही छोड़ी थी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच बातचीत बिगड़ गई। कांग्रेस की बैकफुट पर आते ही वो आलोचकों के निशाने पर आ गई।